हेलो दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज आपके लिए भूगोल से रिलेटेड पहला चैप्टर है भारत का आकार और उसकी स्थिति। तो इस वीडियो को मैंने पहले भी अपलोड किया है, लेकिन उस वीडियो में साउंड प्रॉब्लम है, ऐसा बहुत सारे हमारे प्रिय सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है। तो उसके मद्देनज़र मैंने ये वीडियो फिर से आपके लिए तैयार किया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है जो आपको उसमें मिसिंग हो रहा था। हालांकि वो भी वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि आवाज़ नहीं है फिर भी दोस्तों जो मैटर है वो मैटर आपको ऑनलाइन उपलब्ध है, यही बहुत बड़ी बात है। फिर भी आइए देखते हैं इसकी भारत की आकार और स्थिति। तो दोस्तों स्थिति तो भारत जो कि अगर आप ग्लोब देखते हैं या मैप देखते हैं तो पूरे पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा गया है भौगोलिक दृष्टि से, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। तो भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और इसका जो भूभाग है, मुख्य भाग जो है यानी मेन एरिया जो है वो है इसका पोजीशन है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है। दूसरा है पूर्वी देशांतर में इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये भारत फैला हुआ है। कर्क रेखा दोस्तों तो 23.5 डिग्री, तो एक्चुअली इसको ऐसे हम बोलेंगे 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में, ठीक है। ये कर्क रेखा देश को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो 8 राज्यों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है दोस्तों। और मुख्य भूभाग के मतलब जो मुख्य भूभाग यानी कि भारत का जो मेन एरिया है, अगर पूरा जो आप इंडिया का मैप देखते हैं तो उसके दक्षिण पूर्व में मैप के दाएं साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ है दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में है। और दक्षिण पश्चिम में यानी कि मैप इंडिया के मानचित्र के बाएं साइड में, हमारे हाथ के बाएं साइड में लक्षद्वीप समूह है, जो कि अरब सागर में स्थित है। ये था इसकी स्थिति मैप। अब है दोस्तों भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। और ये इंदिरा पॉइंट दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। दूसरी बात इसके संबंधित कि वर्ष 2004 में सुनामी की लहरों के कारण समुद्र में यह स्थान जो है जलमग्न हो गया। फिर भी सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ही है, यानी इंदिरा बिंदु है। उसके बाद भारत के सबसे उत्तर में कौन सा बिंदु है जो भारत का सबसे अपना देश के अंदर है? तो ये इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। उसके बाद है भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो कि बालांगू है, ये जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर है भारत के सबसे पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो सर क्रीक है। सर क्रीक दोस्तों गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। तो ये था कुछ उसकी स्थिति, क्या स्थिति है और सबसे इसका विस्तार क्षेत्र क्या है भारत का। उसके बाद दोस्तों आकार, तो आकार के बारे में ये है कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल जो है उसका लगभग जितना भी पूरा भारत का एरिया है वो जो कि भारत के अधीन है, ये भारत के अधीन वाला क्षेत्र है दोस्तों, ध्यान देंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत देश जो है रूस, कनाडा, ठीक है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, चीन, 4 नंबर पे ब्राज़ील है, ये ब्राज़ील, और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया छठा के बाद जो है 7वां बड़ा देश है दोस्तों। ये रूस का जो एरिया है कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है इसके बारे में लिखा गया है, तो आप ध्यान से देखेंगे, मैं ये बताऊंगा नीचे वाले मैप में आपको। तो दोस्तों ये जो रूस है, रूस का क्षेत्रफल जो है 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर में है। उसके बाद कनाडा है 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर में, यूएसए है 98.98 लाख वर्ग किलोमीटर में, चीन 95.9 लाख वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद ब्राज़ील आता है जो कि 1, 2, 3, 4, 5वां बड़ा देश है 85.4 लाख वर्ग किलोमीटर में। फिर ऑस्ट्रेलिया 76.8 लाख वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद भारत है, मैंने बताया आपको दोस्तों 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में भारत फैला हुआ है। तो ये क्रम है दोस्तों, याद रखेंगे, ये क्रम हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इसकी कौन सा बड़ा है, बड़ा कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, तो ये क्रम पूछा जाता है, तो ध्यान देंगे इसके बारे में। उसके बाद दोस्तों भारत की स्थल भूमि जो है, यानी कि भारत की जो भूमि है, धरती है, उसकी धरती की जो सीमा रेखा कितना है, तो धरती को अगर हम लोग नापेंगे भूमि को तो 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है स्थल। जबकि समुद्री तट जो है, भारत का जो समुद्री तट वाला हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, उन दोनों को मिला लेने के बाद यानी कि अपने भारत के धरती के चारों तरफ जो है या किनारे किनारे जो समुद्र से लगा हुआ है कितना बड़ा क्षेत्र है, तो 75 यानी कि 7,516.6 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद है दोस्तों इस तरह कुल सीमा रेखा है, यानी कि पानी को मिला दें और स्थल भूमि को, स्थल सीमा को और पानी सीमा को, जो समुद्र तट से जो लगा हुआ सीमा है, इन दोनों को मिलाने के बाद कुल सीमा रेखा जो है ये है 22,716.6 वर्ग किलोमीटर में ये हमारा देश फैला हुआ है। अब दोस्तों भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से लेकर, यानी भारत का अगर उत्तर देखते हैं, जम्मू कश्मीर के साइड देखते हैं हम लोग, नॉर्थ साइड में भारत का मानचित्र आपने देखा होगा, उसके उत्तर दिशा में पश्चिम से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वी सीमा तक, पूर्वी सीमा यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक जो है एरिया है वो नवीनतम बलित पर्वत यानी हिमालय कहलाता है, ध्यान देंगे ऊपर में। उसके बाद भारत के दक्षिण का भूभाग जो है, यानी दक्षिण में, भारत के अगर दक्षिण एरिया में आते हैं हम लोग तो उत्तर दिशा में चौड़ा है, क्या है उत्तर में आप देखते थे कि बीच से देखते होंगे भारत में ऊपर का हिस्सा जो है बहुत चौड़ा है, जबकि नीचे संकरा होता चला गया है, तो ही है तो 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर भारत क्या हो गया, पतला होता चला गया, छोटा यानी संकरा होता गया है, मतलब सिकुड़ गया है, चौड़ा नहीं है, पतला होता चला गया है। उसके बाद इसके पश्चिम में, मतलब भारत के पश्चिम में अरब सागर है और पूरब में जो है दोस्तों बंगाली खाड़ी है। इसके बाद अक्षांश तथा देशांतर का विस्तार जो है, इन अक्षांश और देशांतरीय दोनों का विस्तार में लगभग 30 डिग्री का ये अंतर है, विस्तार जो है 30 डिग्री का अंतर है। पूरब से पश्चिम में, पूरब से लेकर पश्चिम तक यानी ठीक है अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक एरिया में ये फैला, ये जो इसका चौड़ाई है ये 2,933 यानी 29-33 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है और उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई 3214 किलोमीटर है, ये लंबा है। उसके बाद है परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होती है, ठीक है। अब है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का अंतर है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने अपने स्थानीय समय के अंतर के कारण वहाँ पर जो है समय को जो कि दिक्कत हो रहा है लोगों को, जो टाइम जोन जो बढ़ाना चाहते हैं वे लोग, ठीक है। और अतः 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक या अम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में है से गुजरती है, बहुत लेटेस्ट है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, ये एनसीईआरटी की बुक से ली गई है, तो याद रखेंगे। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, अक्षांश का प्रभाव जो है उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है, अक्षांश का प्रभाव। तो दोस्तों ये मैप है, मैप के थ्रू आप देख सकते हैं, ये भारत का मैप है। तो ये देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो है लंबाई 29-33 किलोमीटर है, जबकि ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेके ये दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट तक ये 3214 किलोमीटर में है। मानक याम्यतर जो है ये है 82 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट ये मानक याम्यतर है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए ये नेपाल है, ठीक है, भूटान है, बांग्लादेश है, और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दोस्तों मैप के ये राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में लक्षद्वीप है। इसके अलावा दोस्तों ये देखिए 22 डिग्री यहाँ 20 है, 20 से ऊपर 22 डिग्री से यानी कि लगभग यहाँ से अगर काउंट किया जाए तो भारत क्या हो गया, संकरा होता गया, यानी ऊपर का एरिया जो चौड़ा है, देखिए ये सब चौड़ा है, लेकिन इसके यहाँ से 22 डिग्री से ये नीचे संकरा होता चला गया है। तो ये था भारत का मैप। उसके अलावा भारत और विश्व, तो दोस्तों भारत और विश्व के बारे में, तो भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूरब और पश्चिम के बीच में स्थित है, ठीक है। उसके भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, ये यही काम करता है। हिंद महासागर मेन इसका यही काम है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। तो भारत 3 दिशा से हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ है, आप जानते ही हैं, भारत 3 दिशा से हिंद महासागर द्वारा घिरा हुआ है। अब है दोस्तों भारत के पड़ोसी देश, तो भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में 29 राज्य हैं और 7 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं। 29वां राज्य है तेलंगाना, 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई है और प्रस्तावित राजधानी अमरावती है, वर्तमान में 10 साल तक हैदराबाद ही रहेगा। उसके बाद दोस्तों भारत की भूमि की सीमाएं जो है उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, यानी उत्तर भारत के अभी मैंने दिखाया था, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद उत्तर में जो है चीन है जिसमें तिब्बत भी है, नेपाल है और भूटान, 3 देश इधर है। उसके अलावा पूरब में है म्यांमार और बांग्लादेश है, ये सब उसके पड़ोसी देश हैं। भारत के दक्षिण में 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, पहला है श्रीलंका जो कि 24 किलोमीटर दूर है भारत से और मात्र 24 किलोमीटर दूर है, फिर है मालदीव, इसका स्थिति जो है लक्षद्वीप के जस्ट साउथ में है मालदीव, लेकिन थोड़ा दूर है। अब दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच जो है, भारत और श्रीलंका के बीच छोटा समुद्री रास्ता है, उसका नाम है पाक जल संधि, जो कि उत्तर में है, उत्तर में यानी जो 24 किलोमीटर का एरिया है, तो पाक जल संधि जो है वहाँ सटा हुआ है, उत्तर में है, और मन्नार की खाड़ी जो है ये श्रीलंका सटा हुआ है जो कि दक्षिण में है, ठीक है। ये उत्तर में पाक जल संधि उत्तर में और मन्नार की खाड़ी दक्षिण में है। मैं आपको दिखाया था मैंने, जैसे एक और आप देख सकते हैं फिर से, ये देखिए दोस्तों ये एरिया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो उत्तर में है पाक जल संधि और दक्षिण में जो यहाँ पर है मन्नार खाड़ी, यही है। इसके अलावा भारत को ये पाकिस्तान है, यहाँ सब, और यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान भी थोड़ा सा है लेकिन आपको यहाँ पर नहीं इंडिकेट किया गया है। नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये पड़ोसी देश है हमारे, म्यांमार है। ये दोस्तों देखते हैं भारत तथा पड़ोसी देश, तो ये अफ़गानिस्तान जो मैंने बताया था अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये उत्तर पश्चिम है, फिर नेपाल है, चाइना, यहाँ से यहाँ तक चाइना का बॉर्डर है, तिब्बत सहित है, फिर भूटान, बांग्लादेश है, ये म्यांमार है। ये दोस्तों भारत के कर्क रेखा जो यहाँ से जाता है भारत को 8 राज्यों से काटता हुआ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों को काटता है, गुजरता है। ठीक है, मैंने बताया था 23.5 डिग्री। उसके बाद ये भारत के महत्वपूर्ण जो 29 राज्य है उनका उनके बारे में है। ये श्रीलंका है और ये मालदीव दोस्तों दक्षिण लक्षद्वीप, और इसके सबसे लक्षद्वीप के दक्षिण में ये मालदीव है। ये दो पड़ोसी दक्षिण के देश हैं। तो दोस्तों ये था मैप। इसके बाद ये दोस्तों भारत से कनेक्टिविटी है समुद्री मार्ग और वायु मार्ग द्वारा। दोस्तों ये है जैसे कि कोलकाता से अगर हम जाना है तो ये कोलकाता से दिल्ली होते हुए इराक है, ईरान, और ईरान से सीरिया होते हम लोग निकलेंगे यूरोप की ओर। उसी तरह या मुंबई से दोस्तों सभी जगह है पानी